आपने ये टी शर्ट खरीदी, ये कितने की खरीदी आपने? 200 रुपए की आपने खरीदी। आपका नाम क्या है? इम्तियाज जी, आपने 200 रुपए के लिए खरीदी। एक से खेल जाओ, खेल जाओ। अब अगर यही टी शर्ट अदानी खरीदता, इनका लक्ष्य हिंदुस्तान का जो धन है, आपका जो धन है, वो 5-6 बड़े अरबपतियों के जेब में डालने का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने जीएसटी लागू की ना, गब्बर सिंह टैक्स, तो टैक्स तो आप दे रहे हो। आपने ये टी शर्ट खरीदी, ये कितने की खरीदी आपने? 200 रुपए की आपने खरीदी। आपका नाम क्या है? इम्तियाज जी, आपने 200 रुपए के लिए खरीदी। एक से खेल जाओ, खेल जाओ। अब अगर यही टी शर्ट अदानी खरीदता, तो जितनी जीएसटी आपने दी उतनी जीएसटी वो देगा। सही बात। तो जितना टैक्स हिंदुस्तान के गरीब लोग दे रहे हैं, आदिवासी दे रहे हैं, मजदूर दे रहे हैं, पिछड़े लोग दे रहे हैं, दलित दे रहे हैं, अदानी के लिए रास्ता खोलना था, उसने खोल दिया। नतीजा हुआ कि देश में आज कोई भी युवा रोजगार नहीं। अब ये सेलफोन किसने बनाया? चाइना के युवाओं ने बनाया। रोजगार इस सेलफोन से किसको मिला? चाइना के युवाओं को मिला। ये आपने अपने पैसे से खरीदा, पैसा कहां गया? चाइना की कंपनी में। और जो हमारे अरबपति हैं, जिन्होंने यहां पे लाइसेंस लेके आपका फोन, ये फोन बेचने का लाइसेंस लिया, सही? नुकसान किसका हुआ? हिंदुस्तान के युवा का। मैं चाहता हूं इस फोन पे मेड इन ओडिशा, मेड इन रुड़केला लिखा जाए। ये फर्क है। तो पहला कारण यात्रा का आर्थिक अन्याय, रोजगार, महंगाई, और ये जो सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जहां गरीब लोगों को रोजगार मिलता है, ये एक के बाद एक मोदी प्राइवेटाइज कर रहा है, इसके खिलाफ ये यात्रा निकली है। अब दूसरी बात, आज मैं निकल रहा था, रास्ते में मुझे लोगों ने रोका, कहा कि देखिए ये ड्रोन जो सर्वे हो रहा है, ये ड्रोन सर्वे हो रहा है, इसको आप रोकिए। तो यात्रा में हम लोगों से बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है। तो उन्होंने हमें बताया, देखिए ये नई चीज निकली है, ये ड्रोन सर्वे है, ऊपर से ये ड्रोन उड़ा देते हैं। और ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये आदिवासियों की जमीन चोरी करने की तैयारी हो रही है। ये क्या करेंगे, ये गांव-गांव में जाएंगे और कहेंगे कि देखो भैया, ये जमीन इस व्यक्ति की है, ये जमीन इस व्यक्ति की है, मगर ये जो जमीन है, जिसको ग्राम सभा की जमीन कहा जाता है, ये किसी की नहीं है। बात समझ गए आप? तो ये जो आगे पीछे ड्रोन घूम रहे हैं ना, ये अदानी का काम किया जा रहा है यहां पे। और अभी मैं बिरसा मुंडा जी के यहां मत्था टेक के आया हूं, हाथ जोड़ के आया हूं। ये कौन सी लड़ाई लड़े थे भैया? आपने कहा आजादी की लड़ाई, सही बात है, मगर वो आजादी की लड़ाई क्यों लड़ रहे थे? आदिवासियों के लिए। और आदिवासियों के लिए क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही थी। ये तो है, अगर कोई आदिवासी का जंगल, जमीन, जल नहीं छीनता तो बिरसा मुंडा जी नहीं लड़ते उनसे। अगर ये लड़े तो इसलिए लड़े कि उनका जल, उनकी जमीन, उनका जंगल छीना जा रहा था। वही आज ओडिशा में हो रहा है। और ये जो ड्रोन सर्वे हो रहा है, ये ड्रोन जो उड़ रहे हैं,
उनके टाइम अंग्रेजों की गोलियां थी, आज 21वीं सदी में ड्रोन उड़ रहे ऊपर, यही फर्क पड़ा है। तो हम आदिवासियों से कहने आए हैं कि आप घबराइए मत, आप डरिए मत, कांग्रेस पार्टी आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल इन अरबपतियों को नहीं दिलवाने देगी। धन्यवाद। अच्छा, एक और बात बताता हूं आपको, आपने बीजेडी पार्टी का नाम सुना होगा, आपने बीजेपी पार्टी का भी नाम सुना होगा, है ना? बीजेपी और बीजेडी, बीजेपी और बीजेडी, ये एक ही चीज है, ये दो चीजें नहीं है। मैंने देखा इनको लोकसभा में, जब भी नरेंद्र मोदी ऐसे इशारा करते थे, यू देखो यू करते थे, यू, बीजेपी के जो उनको कह दो कठपुतलियां थी, वो एकदम खड़े होकर नाचना शुरू कर देते थे। और जब भी बीजेपी को यहां जरूरत पड़े तो उधर से उनके पार्टनर नरेंद्र मोदी जी इनकी मदद करते हैं। तो यहां जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी कर रही है, करेगी, करती जाएगी। और यह आप याद रखिए, कि बीजेपी और बीजेडी एक ही चीज है। यही बात तेलंगाना में उठी थी, वहां पे भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की पूरी मदद बीजेपी करती थी, दिल्ली में उनकी कठपुतलियां वहां उनकी मदद करती थी। हमने तेलंगाना में बीआरएस को उखाड़ के फेंक दिया, वही काम हम यहां बीजेडी के साथ करने जा रहे हैं। यह मैं आपसे कहने आया था, भारत जोड़ो का लक्ष्य नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आप सब लोग क्या करोगे? आप सब क्या करोगे? मोहब्बत की दुकान खोलोगे। बीजेपी नफरत का बाजार, आप मोहब्बत की दुकान। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।